नमस्कार, लेन देन न्यूज चैनल में मैं दिनेश माहेश्वरी अंशुल जी का आपका स्वागत करता हूं। तो अंशुल जी, आज जीएसटी में क्या बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? आज हम GSTR 3B के बारे में जानेंगे। GSTR 3B जो अभी सरकार का जो सबसे पहला एक तरह से रिटर्न है, जो जुलाई और अगस्त के लिए जाना है, आज हम जानेंगे कि हम GSTR 3B हमें किस प्रकार भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल आएगी और किस तरह से वो सरकार को सबमिट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं GST की साइट पे। आप अपना यूज़र आईडी जो आपका है, यहाँ पे मैं एक क्लाइंट का यूज़र आईडी डाल रहा हूँ, आपका जो भी यूज़र आईडी है और जो भी आपका पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। GSTR 3B फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले जो ऊपर सर्विसेज आ रही है इसके अंदर लॉगिन करके रिटर्न्स में जाना होगा। रिटर्न्स के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड, फाइनेंशियल ईयर 17-18 जो अभी चल रहा है इसमें, अभी सबसे पहले जुलाई का जाएगा, इसलिए आप रिटर्न फाइलिंग पीरियड जुलाई सेलेक्ट करें। इसके अंदर सर्च तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से आपको एक ऑप्शन दिखेगा मंथली रिटर्न GSTR 3B। अब GSTR 3B की ड्यू डेट जो है वो है 20/8/2017 जुलाई के लिए और 20/9/2017 अगस्त के लिए। ये रिटर्न केवल 2 महीने ही जाएगा, उसके बाद जो नॉर्मल रिटर्न है सितंबर से GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 जाएंगे, GSTR 3B बंद हो जाएगा। तो GSTR 3B में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रिपेयर ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करिए तो ये आपके सामने GSTR 3B खुल जाएगा। आपका GSTN नंबर, आपका नाम, स्टेटस फाइल्ड है कि नॉट फाइल्ड है वो स्टेटस आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, रिटर्न पीरियड जुलाई जो आपने बाहर सेलेक्ट किया है रिटर्न फाइलिंग पीरियड वो यहाँ पे शो होगा, ड्यू डेट जो है इसकी 20/8/2017, ये लास्ट डेट है इसकी फाइलिंग की, इससे पहले आपको फाइल करना है। इसके अंदर आपको सबसे पहले 5 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाईज। जो आपने सेल करी है, जो भी आपने सर्विसेज दी है उस पर जो GST लगेगा, और जो सर्विसेज आपने ली है जिस पर रिवर्स चार्ज पे आप लायबल है या पे जिस पे आपको खुद टैक्स देना है, सामने वाला टैक्स नहीं देगा, उसके अंदर जो भी आपने सप्लाईज करी है उसकी डिटेल नहीं आएगी, इसके बारे में अभी विस्तार से बात करेंगे। सेकेंड जो है इंटर स्टेट सप्लाईज, जो सप्लाई आपने स्टेट के बाहर करी है उस पर कितने की सप्लाई करी है, कितना अमाउंट की सप्लाई करी है और उस पर कितना टैक्स बनेगा उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, जो UIN होल्डर्स को जो आपने सप्लाईज दिए है या जो भी सेल करी है उसके ऊपर जो भी GST लगेगा उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। थर्ड अपना है एलिजिबल ITC, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ योर सेल, योर सप्लाईज और योर सर्विसेज, जो ITC आप इन क्लेम करना चाहते हैं, जो भी आपने जिस पे आपने GST दिया है परचेजेस पे, या कोई रिवर्स चार्ज के अंदर आपने GST दिया है जिसकी इनपुट आप लेना चाहते हैं, या अदर कोई और अगर कोई इनपुट हो जो आप लेना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी एलिजिबल ITC में। उसके बाद है अपना एग्जम्प्ट नेल और नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, जो ऐसी सप्लाईज या ऐसी सेल सर्विसेज जो आपने जो एग्जम्प्ट है या जिस पे 0% GST रहता है या जिस पे GST लगता ही नहीं है उनकी डिटेल यहाँ पर आएगी। एग्जाम में जैसे नेगेटिव लिस्ट में या किसी और नोटिफिकेशन के अंदर वो एग्जम्प्ट है उसकी डिटेल, जिस पे कोई जीरो रेटेड है, निल रेटेड जो है उसकी डिटेल, और जिस पे जिस सर्विसेज या सप्लाईज पे GST लगता ही नहीं है, जो आउट ऑफ GST कवरेज है, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। उसके बाद अपना है इंटरेस्ट एंड लेट फी, जो इंटरेस्ट आप अपने GST का जो टैक्स है जिस पे आप इंटरेस्ट जमा कराएंगे, अगर GST आप लेट जमा कराते हैं तो उसका इंटरेस्ट की डिटेल यहाँ पे, प्लस अगर आपका रिटर्न ड्यू डेट से लेट फाइल होता है तो उस पर जो भी लेट फीस लगेगी उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, फिर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा जिसके अंदर आपको डिटेल भरनी है, इसमें आएगा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन 0 रेटेड, निल रेटेड और सब एग्जम्प्टेड। जो आपने सप्लाई या सर्विसेज दिए, गुड्स सेल किए या सर्विसेज दिए उस पर कितना GST लगेगा उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी।
टोटल टैक्सेबल वैल्यू जितने की आपने सेल की है, इंटीग्रेटेड टैक्स जितना उस पर जीएसटी लगा है, उस जीएसटी का बाइफर्केशन सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में यहाँ डालना है अपन को। जैसे टोटल जीएसटी आपका लगा है 18% मान लीजिए, सपोज करिए जैसे 10 लाख की आपने सेल करी है या 10 लाख की सर्विसेज दी है, तो उस पर जितना टैक्स लगेगा मान लीजिए, सपोज कीजिए 18% इस पर जीएसटी लगता है, तो 180,000 अपन यहाँ डालेंगे। अब इसका बाइफर्केशन 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, 90,000 और 90,000। और जो सेस लगता है, सेस सब में एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ एक स्पेशल इंडस्ट्रीज होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसपे सेस एप्लीकेबल होता है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह, उन पर सेस लगता है, उस सेस की डिटेल यहाँ पर आएगी। सेकेंड ऑप्शन है अपना आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ज़ीरो रेटेड। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ज़ीरो रेटेड में वो सप्लाई आएगी जिसपे 0% जीएसटी है। बी है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, इसमें वो सप्लाईज आएंगी जो आपने या तो एक्सपोर्ट की है आउट ऑफ इंडिया, या फिर किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई की है, या एसईजी को सप्लाई की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो कि इंडिया में नोटिफाइड है बाय गवर्नमेंट एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, अगर आपने उनको सप्लाई की है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। उस पर आपने जितना टैक्स दिया है वो उस टैक्स की डिटेल यहाँ पे आएगी, और इस टैक्स का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इधर थ्रू योर इनपुट क्रेडिट, और या फिर आप गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू आप इसका पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जम्प्ट होती है। थर्ड है अपना अदर आउटवर्ड सप्लाईज, निल रेटेड सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज। इसमें वो एक सप्लाई रहेगी जो या तो एग्जम्प्ट है या निल रेटेड है, जिस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, उसमें केवल आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू यानी जितना टर्नओवर आपका एग्जम्प्टेड हुआ है उसकी डिटेल या डालनी पड़ेगी, उस पर टैक्स क्योंकि पेएबल नहीं है इसलिए टैक्स की कोई डिटेल नहीं डालनी। उसके बाद है डी इनवर्ड सप्लाईज, लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसके अंदर वो सर्विसेज आएंगी जिस पर आपने रिवर्स चार्ज पर टैक्स दिया है, या सर्विसेज आपने रिसीव करी है या सर्विसेज आपने दी है किसी को, पर उसके अंडर सामने वाला लायबल नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर ही लायबल है थ्रू रिवर्स चार्ज, तो उसकी डिटेल्स अपन यहाँ पर डालेंगे, कितना अमाउंट के अपन ने रिवर्स चार्ज के अंडर सप्लाईज दी है उस पर कितना टैक्स बनेगा, इंटीग्रेटेड बाइफर्केशन देना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, और अगर कोई सेस बनता है तो वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद है ई नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, ऐसी सप्लाईज जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जो जीएसटी के जो इस डिक्शन से बाहर है उनकी डिटेल यहाँ पर, उस टर्नओवर की डिटेल यहाँ पर आएगी। ये आपका है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसके बाद सेकंड है इंटरस्टेट सप्लाईज, डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूएएन होल्डर। जो सप्लाई आपने स्टेट के बाहर की है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या किसी पर्सन को जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है, या यूएएन होल्डर्स को, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। हम इसके अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे सपोज कीजिए आप राजस्थान में रजिस्टर्ड है और आपने राजस्थान के बाहर सप्लाईज दी हैं, तो ये एक पूरे स्टेट की लिस्ट आएगी जिसमें आपको सेलेक्ट करना है आपने कहाँ पर दिए। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि एमपी में हमने दिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एमपी, कितने अमाउंट की सप्लाई दी है उसका अमाउंट क्या आएगा, कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख हम लोग सपोज करते हैं 10 लाख, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 10 लाख पे जितने परसेंट से जीएसटी टैक्सेबल है उसका अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो यहाँ पे आएगा 1,80,000, या जो भी आप अमाउंट लेना चाहें ले सकते हैं, जो भी टैक्स बनेगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। सेकेंड है सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ऐसे लोग जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं वो, उन लोगों की डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके लिए भी आपको सबसे पहले जो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कितने अमाउंट की सप्लाईज आपने दी है उसकी वैल्यू यहाँ डालनी है, और कितना टैक्स बनेगा उस पर उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। अगर आप उसके एक से ज़्यादा है, अलग अलग स्टेट्स में आपने सप्लाईज दिए, तो आप नीचे ऐड कर सकते हैं
एंट्री के बाद ये देखिए जैसा ऐड करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, स्टेट का नाम डालिए, अमाउंट डालिए और जितना टैक्स बनेगा वो अपन डाल सकते हैं। थर्ड है सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर्स, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, यूआईएन होल्डर्स को आपने सप्लाई जो दी है स्टेट, फिर टैक्सेबल वैल्यू, फिर अमाउंट ऑफ टैक्स, इसको आप कन्फर्म कर दीजिए, सेव हो जाएगा। ये तीन डिटेल्स अपनी इसमें आएंगी। उसके बाद है एलिजिबल आईटीसी, ये आप देख रहे हैं एलिजिबल आईटीसी, इसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यदि आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं या गुड्स परचेज किए हैं उसके ऊपर जो आपने जीएसटी दिया है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, जितना अमाउंट का आपने जीएसटी दिया है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज आपने लिए हैं किसी से उसके ऊपर जो आपने जीएसटी दिया है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जितना जीएसटी आपने पे किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड है इनवर्ट सप्लाइज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 102, गुड्स परचेज सर्विसेज के अलावा अगर कोई सप्लाइज आपने लिए है जो रिवर्स सप्लाइज आपने दी है जो रिवर्स चार्ज के अंदर आपको टैक्सेबल है जिस पर आपने जीएसटी दिया है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स सीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इन दोनों की डिटेल यहाँ पर आएगी और इसकी इनपुट जो है आप क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ है इनपुट सप्लाइज फ्रॉम आईएसजी, आईएसजी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई सर्विसेज आपने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से लिए जिस पर आपने जीएसटी दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जीएसटी टोटल जीएसटी अमाउंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड सेस इफ एनी पेबल। इसके ऊपर के अलावा अपार्ट फ्रॉम 0.1 to 0.4 अगर इसके अलावा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आप अवेल करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, अमाउंट ऑफ जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एंड सेस जो कि एप्लीकेबल है। उसके बाद है पॉइंट बी आईटीसी रिवर्स्ड, आईटीसी रिवर्स्ड में ऐसा ही है कि कोई इनपुट आपने क्लेम करी है पर वो सर्विस सपोज कीजिए किसी सर्विसेज को अपन ने एडवांस में पेमेंट कर दिया है उसकी जीएसटी इनपुट अपन क्लेम कर रहे हैं लेकिन बाद में वो बिल कैंसिल हो जाता है या वो सर्विस हम नहीं लेते हैं तो उस केस में जो आईटीसी आपने क्लेम की है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी और जितनी आईटीसी आपने क्लेम करी थी उसकी डिटेल यहाँ पर जाएगी। उसके अलावा अदर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो इनकेस जमा नहीं हुई है या सामने वाले जमा नहीं करी है जिसके आईटीसी आप क्लेम कर चुके हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। इनएलिजिबल आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी के अंदर वो है जो इनपुट आप अवेल कर चुके हैं पर वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एलिजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे फूड्स एंड बेवरेजेस हैं जिसके इनपुट आप सपोज करिए क्लेम कर चुके हैं पर वो इनएलिजिबल है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, जितना जीएसटी आप पे कर चुके हैं सीजीएसटी एसजीएसटी एंड सेस, तो इसके अंदर इस पार्ट के अंदर एलिजिबल आईटीसी के अंदर ये सारी डिटेल्स आएगी, इनपुट रिलेटेड डिटेल्स जो आप क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद है एग्जम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज, ऐसी सप्लाईज जो आपने कंपोजिशन स्कीम में या फिर कंपोजिशन स्कीम में या तो एग्जम्प्टेड है या नील रेटेड है या फिर अंडर कंपोजिशन स्कीम आपने दी है उसकी इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इंटरा स्टेट सप्लाईज विद इन आउटसाइड द स्टेट एंड विद इन द स्टेट जो आपने सप्लाईज की है जिस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा उन सब की डिटेल यहाँ पे आएगा और इसके अपार्ट कोई नॉन जीएसटी सप्लाई करिए जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, इंटरस्टेट सप्लाईज यानी आउटसाइड द स्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज विद इन द स्टेट उनकी डिटेल यहाँ पर आपको फीड करनी है। इसके बाद है इंटरेस्ट या लेट फी, इंटरेस्ट या लेट फी के अंदर जैसा आप देख रहे हैं अगर कोई जीएसटी आपने लेट जमा कराया है आफ्टर ड्यू डेट तो उस पर जो इंटरेस्ट लगा है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होके जितना इंटरेस्ट जमा होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, इंटीग्रेटेड टैक्स उसके अंदर कितना पार्ट सीजीएसटी है कितना पार्ट एसजीएसटी है और कितना सेस है उनकी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। और सेकेंड है लेट फीस, अगर अपना रिटर्न ड्यू डेट के बाद जमा होता है तो उस पर जो लेट फीस लगेगी उसकी डिटेल जो आप जमा वो लेट फीस जो आप जमा कराएंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, अभी ऑप्शन एक्टिव नहीं है क्योंकि ऐसे वो ड्यू डेट आई नहीं है, जैसे ड्यू डेट के बाद अगर आपको रिटर्न जमा करते हैं तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और इस पर आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, लेट फीस जमा करा सकते हैं।
तो ये 5 कॉलम्स थे जो अपन को फॉर्म GSTR 3B के अंदर भरने हैं। याद रखिए GSTR 3B केवल जुलाई और अगस्त के लिए जाएगा, सितंबर से GSTR 3B डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जो भी टैक्स इसमें जमा करना है वो विद इन ड्यू डेट, GSTR 3B की जो ड्यू डेट है 20 अगस्त फॉर जुलाई एंड 20 सितंबर फॉर अगस्त लास्ट डेट है GSTR 3B जमा करने की, तो उससे पहले जमा हमको करना है।